फिल्म एक डबल स्पिंडल टाइप बेड टाइप मिलिंग मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन। दिस मशीन हैज टू डिफरेंट स्पिंडल्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड बोथ ऑफ दीज कैन बी वर्क इंडिपेंडेंटली। हमने अभी वर्टिकल स्पिंडल भी चलाया हुआ है और हॉरिजॉन्टल स्पिंडल भी चलाया हुआ है। दिस इज अ पेंडेंट कंट्रोल टाइप मशीन जिसमें एक्स वाई जेड या स्पिंडल्स की रोटेशन जो भी इस पेंडेंट से कंट्रोल होती है। द कंडीशन ऑफ द टेबल इज वेरी गुड, देर आर नो स्क्रैचेस व्हाट्सोएवर ऑन द टेबल। इट इज इक्विप्ड विद अ 3-axis Hardinine make DRO। ये DRO भी लेटेस्ट मॉडल है, इसमें फीड का रेट भी आता है एंड और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इस DRO में। द मेक ऑफ दिस मशीन इज फिल, दिस इज अ मेड इन इटली मशीन। द मशीन इज कंप्लीट विद इट्स स्प्लैश गार्ड्स। वी हैव 4 डिफरेंट टूलिंग्स टूल होल्डर्स अवेलेबल विद इट। वी ऑल्सो हैव वाइब्रेशन पैड और बेस पैड्स विद दिस मशीन। इट इज़ अ हैवी ड्यूटी टाइप मशीन हैविंग मोर वेट कैरिंग कैपेसिटी एज इट इज़ अ बेड टाइप मिलिंग मशीन। बोथ दीज स्पिंडल्स हैव टू डिफरेंट मोटर्स एंड टू डिफरेंट गेयर बॉक्सेस। तो इसमें वर्टिकल स्पिंडल है, वर्टिकल स्पिंडल को पूरा मैनुअली आगे पीछे भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी विड्थ ऑफ जॉब। तो इसमें वाई ट्रैवल भी दो हो गए, एक तो वाई ट्रैवल इसमें टेबल पे है एंड पूरे वर्टिकल स्पिंडल को आगे पीछे मैनुअली चला सकते हैं। दिस इज अ वेरी हैवी ड्यूटी टाइप मशीन। द कंडीशन ऑफ दी स्लाइड्स, द कंडीशन ऑफ दी स्पिंडल्स एंड दैट ऑफ द टेबल इज वेरी गुड। दिस मशीन ऑल्सो हैज हाइड्रोलिक टूल क्लैंपिंग इन द वर्टिकल स्पिंडल। इसमें वर्टिकल स्पिंडल में हाइड्रोलिकली क्लैंप या डी क्लैंप करने के लिए ये फुट ऑपरेटेड सिस्टम है। ठीक है, अभी एक टूल क्लैंप करके दिखाओ, अभी हम एक टूल क्लैंप करके दिखाएंगे। ठीक है, फुट ऑपरेटेड सिस्टम से अभी क्लैंप कर दो। ठीक है, ये क्लैंप हो गया अभी। ठीक है, और इसको अनक्लैंप करना हो तो ठीक है जी। पहले इस मशीन का लॉन्गिट्यूडनल यानी लेफ्ट राइट वाला ट्रैवल चला दो। वी हैव राइट नाउ स्टार्टेड दी लॉन्गिट्यूडनल और दी एक्स ट्रैवल मूवमेंट्स। द टेबल इज नाउ गोइंग टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड इन फीड। टेबल अभी धीरे धीरे फीड में लेफ्ट साइड जा रही है। दी चेंज इन दी एक्स एक्सिस DRO रीडिंग कैन बी सीन। अभी जो फीड का रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 80 है, 80 mm पर मिनट अभी फीड का रेट चल रहा है। ठीक है, जो अभी ये लेफ्ट साइड टेबल जा रही है, लेफ्ट साइड ही रैपिड ट्रैवल चलाओ। ठीक है, रोक दो, दूसरी तरफ रिवर्स कर दो। अभी वी आर नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द टेबल ट्रैवल। The table is now going towards the right side in feed. ठीक है, right side rapid. ठीक है, आगे पीछे चलाओ अभी, wide travel. We have now engaged the मूमेंट ऑफ दी वाई ट्रैवल। जो पूरा टेबल है वो अभी पीछे की तरफ जा रहे हैं। दी चेंज इन दी वाई एक्सिस DRO कैन बी सीन। ठीक है, अभी जो ये पूरी टेबल पीछे की तरफ जा रही है, पीछे रैपिड चलाओ, आगे रैपिड। वी आर नाउ चेंजिंग द डायरेक्शन, आगे रैपिड में जा रही है, फिर से पीछे रैपिड, रैपिड पीछे, आगे रैपिड,
ठीक है, अभी आगे रैपिड में आ रही है, आगे फीड, ठीक है, वी हैव राइट नाउ स्टार्टेड दी फॉरवर्ड फीड ट्रैवल, ठीक है, डीआरओ की रीडिंग हम चेंज होते हुए देख सकते हैं, ठीक है, रोक दो, अभी इसका वर्टिकल ट्रैवल चला दो, वी हैव राइट नाउ एंगेज दी वर्टिकल ट्रैवल ऑफ दी होल हेड एज इट इज अ बेड टाइप मीनिंग, तो इसमें जो वर्टिकल ट्रैवल है वो पूरा हेड ऊपर नीचे चलता है, अभी ये नीचे की तरफ आ रही है फीड में, दी चेंज इन दी जेड एक्सेस डी आर ओ कैन बी सीन, तो हम देख सकते हैं इसका एक्स वाई जेड तीनों का डी आर ओ एकदम ठीक काम कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ रैपिड में ले आओ, अभी डाउनवर्ड रैपिड ट्रैवल, और ले आओ, और ले आओ, ठीक है, रोक दो, अभी ऊपर ले जाओ वर्टिकल ट्रैवल रैपिड, अभी ये पूरा रैपिड में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ रैपिड ट्रैवल की जगह फीड ट्रैवल, वी आर राइट नाउ एंगेज द अपवर्ड्स वर्टिकल फीड ट्रैवल, अभी पूरा हेड जो है वो ऊपर जा रहा है फीड में, जेड एक्सिस की डीआरओ की रीडिंग चेंज हो रही है, हम देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट फीड रेट्स ऑफ ट्रैवल, हमने इसका अभी टेबल का जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल है उस पर अभी फीड को एंगेज कर दिया है, एंड पूरी टेबल अभी धीरे धीरे लेफ्ट साइड जा रही है फीड में, इस मशीन में जो फीड के रेट है वो कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल है, अभी जो फीड का रेट चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 15 चल रहा है, 15 mm पर मिनट, ठीक है, ये फीड का रेट बढ़ा दो, अभी इसमें फीड के रेट कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल है, ठीक है, अभी हमने फीड का रेट बढ़ा दिया है, फीड का रेट जो अभी है वो 55 हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 55 mm पर मिनट, और तेज कर दो, ठीक है, ये फीड का रेट हमने अभी और बढ़ा दिया, अभी अप्रोक्सीमेटली 273 हो गए, हम देख सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में फीड अभी तेज चल रही है, और तेज, ठीक है, ये फीड का रेट हमने अभी और इंक्रीज कर दिया, हम देख सकते हैं विजिबली भी अभी टेबल तेज चल रही है, करंट फीड रेट 707, और तेज, ये मैक्सिमम फीड रेट कर दिया, अभी 1200 चल रहा है, 1200 mm पर मिनट फीड का रेट चल रहा है, रिवर्स कर दो, टेबल अभी भी फीड में चल रही है बट बहुत तेज चल रही है, दिस इज द मैक्सिमम फीड रेट ऑफ 1200 mm पर मिनट, स्पिंडल स्पीड्स, राइट नाउ वी हैव स्टार्टेड द रोटेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, करंटली इट इज एट इट्स मिनिमम स्पीड ऑफ 25 rpm, 25 रोटेशंस पर मिनट, ठीक है, अभी तेज करके जो 106 है 106 वो दिखा दो, स्पिंडल स्पीड 106 rpm, 106 रोटेशंस पर मिनट, ठीक है, और तेज दिखा दो, अभी 285 दिखा दो, करंट स्पिंडल स्पीड 285 rpm, 285 रोटेशंस पर मिनट, ठीक है, और तेज दिखा दो, कोई 600 के आसपास दिखा दो, अभी करंट स्पिंडल स्पीड 610 rpm, 610 रोटेशंस पर मिनट, ठीक है, और तेज दिखा दो, अभी जो भी मैक्सिमम स्पीड है वो दिखा दो, करंट स्पिंडल स्पीड 1200 rpm, 1200 रोटेशंस पर मिनट, द कंडीशन ऑफ द गियर बॉक्स इज वेरी गुड, डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द वर्टिकल स्पिंडल, राइट नाउ द वर्टिकल स्पिंडल इज एट इट्स मिनिमम स्पीड
of 24 RPM, 24 rotations per minute. ठीक है, तेज कर दो, अभी 110 दिखा दो, 110. करंट स्पिंडल स्पीड 110 RPM, 110 rotations per minute. ठीक है, रोक दो, अभी और तेज दिखा दो, 350 दिखा दो, 350. करंट स्पिंडल स्पीड 350 RPM, 350 rotations per minute. ठीक है, और तेज दिखा दो, अभी 750 दिखा दो. करंट स्पिंडल स्पीड 750 RPM, 750 rotations per minute. मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड 1600 RPM, 1600 rotations per minute. Even at a maximum speed, there is no noise of the gears or of the spindle in the machine. The condition of this machine is excellent. Electrical panel of the machine. It is a fill make double spindle bedded type milling machine. Equipped with a 3-axis DRO and many accessories. The machine is in overall excellent working condition and all the features are working perfectly fine.